स्टॉक्स हैं जो कमाल आपको करते हुए दिखेंगे यहाँ पर, एक बार वहां पर रखते हैं नजर। पीएफसी तो ऊपर आया ही है, सेल में अच्छा एक्शन दिख रहा है स्टील अथॉरिटी, और यूजुअली ये बैन लिस्ट का फेवरेट स्टॉक रहता है, अब तक तो बैन में आया नहीं है, तो एक चार्ट चेक जरूर इस पर लेते हैं। जय जरा सेल का चार्ट देखेंगे, मेटल्स एक्टिव हो रहे हैं, सेल 170 के लेवल पर आया है इस समय अच्छे मूवमेंट के साथ, क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल दीप, मेटल्स में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है ही, और सेल में काफी समय के बाद मैं कहूंगा कि हायर लेवल्स पर अगर आप देखें तो 150 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। सो 150 पोजिशनल परस्पेक्टिव में कहूंगा दीप बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव तो लगभग 160 के लेवल है इमीडिएट बेसिस पर, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। सो 150 टू 160 ये पोजिशनल टू शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा सेल का, और जब तक ये लेवल्स होल्ड आउट कर रहा है आई थिंक 150 के ऊपर तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, बिकॉज दीप ये लेवल्स आपको देखने मिले लगभग 3 साल के बाद, 150 के ऊपर सेल निकला है। सारी मेटल स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसके कंपैरिजन में काफी एक अच्छे अप ट्रेंड में ऑलरेडी थे और कब से लाइफ हाई लगा रहे थे। सेल में ये लेवल्स जो निकले हैं आफ्टर 3 ईयर्स, तो आई थिंक इट्स अ बिग ब्रेकआउट, ऊपर में लगभग 190 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। बट पोजिशनली दीप मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि जो हिसाब से सेल ने ये ब्रेकआउट दिया 150 लेवल्स के ऊपर, पोजिशनली आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स इट्स लाइफ हाई। इस पर आपको रखना है नजर, एक्शन ये काउंटर बना रहा है, मेटल्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है, कोल इंडिया में मूव कर रहा है।